हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्वाति साउथ किचन। आज हम बनाएंगे पान के मोदक, और इस मोदक इतना टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स, और ये बनने में भी बहुत ही क्विक एंड इजी से बन जाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, साथ में इसको हमें बिना मोल्ड में बनाए हैं। और इस रेसिपी आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, और प्रभु गणपति जी को अति प्रिय पान के मोदक जो है आप पूजा में चढ़ा दीजिए। हर दिन एक एक अलग अलग हमें प्रसाद चढ़ाते रहते हैं, तो ज़रूर इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को हमें देखेंगे। जाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। सबसे पहले हमें गैस के ऊपर कढ़ाई रखेंगे और गैस की फ्लेम को धीमी आंच पर रखे रहेंगे। इसमें मैंने एक कप चावल के आटा डाल रही हूँ। आप कटोरी या ग्लास जो भी मेजर ले, एक ही मेजर से यूज करेंगे। ये मैंने कच्चे चावल के आटा लिए हैं, इसीलिए मैंने इसको थोड़ी सी भून रही हूँ। अगर आप रेडी करेंगे घर में, इसको रेडी करना भी बहुत ही आसान है। थोड़ी सी चावल को अच्छे से धो लेना है, और धो के इसको थोड़ा 5-10 मिनट के लिए भिगो के रख देना है। साथ में इसको एक कपड़े में डाल के इसका सारी पानी निकाल देना है चावल का, और इसका फैन के पास या धूप में रख के थोड़ा सा सुखा देना है। उसके बाद इसको ना अच्छे से कढ़ाई में थोड़ा देर भून लेंगे चावल को। उसके बाद आप जो है मिक्सी जार में पीस के इसको छान के आप रेडी कर सकते हैं चावल के आटा। तो उसी स्टेप में आप घर में रेडी करेंगे तो इसको भूनने का ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये कच्चा वाला लिया हूँ चावल के आटा, तो इसको भूनेंगे तो इसमें से जो कच्चापन है वो भी अच्छे से चले जाएगा, और साथ में इसमें एक अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक भून लिए हैं, और ये इसका अच्छा सा खुशबू आ रहा है। ये इसका पहचान है कि चावल के आटा अच्छे से भून गए हैं। जब ये अच्छे से भून जाए, इसको हम निकाल देते हैं। उसी कढ़ाई में हमें डालेंगे यहाँ पर 2 कटोरी पानी, और पानी डालने के बाद इसमें उसी कटोरी में डाल देती हूँ मैंने 1/2 कटोरी शक्कर। शक्कर डाल के इसको अच्छे से इस तरह देखिए मेल्ट होने देंगे, और ये पानी भी अच्छे से बॉईल होने देंगे। इस तरह बॉईल होने पर पानी को गैस की फ्लेम को लो में रख के जो आटा हमें भुने थे ना, उस आटा जो है इसमें धीरे धीरे करके डालेंगे। इस तरह हमें पूरी आटा को डाल के इस तरह हमें मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम को धीमी आंच पर ही रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह अच्छे से मिक्स किए हैं। धीरे धीरे ये जो है एक थीक आ जाएगी, एक डो जैसा रेडी हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह जो है हमारा आटा जो है अच्छे से इस तरह बन जाएंगे। तभी हमें क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे, ताकि ये एक घी की कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है तो अच्छा लगेगा इस चावल में। तो इस तरह मैंने घी 1 चम्मच डाल के इसको और एक बार अच्छे से मिक्स करूँगी। इससे क्या होगा ना, कढ़ाई में चिपकेंगे नहीं आटा। साथ में यहाँ पर देखिए, मैंने नारियल की बुरादा 3 टेबलस्पून के करीब डाल दे रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चावल के आटे में चावल के और नारियल का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा है, तो इसमें अच्छा टेस्ट देगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये नारियल की बुरादा डाला हुआ है। अब देख सकते हो इसमें जो है चावल के आटा सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, और लास्ट में हमें 1 चम्मच घी और डाल दूंगी, और अच्छे से मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। गैस की फ्लेम को बंद कर देना है यहाँ पर ही, और बंद करके इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। इसकी जो गर्म है उसी से ये जो है अच्छी तरह और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तब तक हमें दूसरी तरफ जो है पान के पत्ता देखिए 10 से 12 लिया है, और 1 छोटी चम्मच करीब मैंने सौंफ ले लिया है। और इस पान के पत्ते को इस तरह बारीक कट करके छोटी मिक्सी जार में ले लेना है सौंफ और पान के पत्ते को, और साथ ही यहाँ पर 2-3 टेबलस्पून करीब हमें पानी डाल के इसको फाइन हमें ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के बाद इसकी एक छन्नी की मदद से इसके सारे पानी को हमें निकाल के ले लेंगे। सारे पानी को ही बस यूज करेंगे, बाकी जो है उसका यूज नहीं करेंगे। इस तरह इतना सारा पानी निकला है, तो इसको हमें साइड रखते हैं। अब देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स, ये 5 मिनट करीब मैंने छोड़ दिया था, और इसके ऊपर सारा देख सकते हो कितना पानी जैसा जमा हुआ है, और ये अच्छे से स्टीम हो चुका है। अभी एक थाली लेंगे, बड़ा वाली इस तरह प्लेट ले लेंगे, उसमें सारे डालेंगे। और यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर का यूज कर रही हूँ। मिल्क पाउडर करीब 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यूज किया है, पाउच यूज किया है मैंने। अगर आप डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून डायरेक्ट, मैंने इसी में डाला है फ्रेंड्स, ताकि मेरे को थोड़ा सा क्रम्बल्स जैसा चाहिए था, क्योंकि हमें फिलिंग वगैरह कुछ नहीं बना रहे हैं, तो डायरेक्ट इस चावल के आटा से बना रहे हैं। तो ऐसे बनाएंगे तो हमारा मुँह में
में थोड़ा अमूल की जो आएगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने इसको डाला है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, नहीं तो पानी जब उबालने के लिए रखते हैं ना तभी आप ये अमूल पाउडर डाल सकते हैं अगर इसमें नहीं डालना चाहते हो तो। साथ में इस तरह अच्छे से मिक्स करके जो पान के पत्ता का जो हमें रखे थे ना फ्रेंड्स पानी, उसी पानी को हमें इसमें धीरे धीरे करके डालना है और इसको इस तरह जो है अच्छे से मिक्स करते रहना है फ्रेंड्स। ज़्यादा नहीं डालेंगे, आपको देख के ही थोड़ा थोड़ा सा करके डाल देंगे। एक बार में डाल देंगे तो पतला हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर सारा पानी ही आ चुका है और आटा भी परफेक्ट है, एकदम सॉफ्ट बना है। एक मतलब जो रोटी का डो होता है उससे भी थोड़ा सॉफ्ट ही बनाई हूँ मैं। अच्छे से इसको इस तरह डो जैसा रेडी करेंगे और एकदम काफ़ी स्मूथ करेंगे इसको। साथ में अभी हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे, घी लगा के थोड़ा सा हमें ले लेंगे इस मोदक बनाने के लिए। और इसको इस तरह देखिए राउंड शेप पहले देना है हाथों की मदद से। राउंड शेप देने के बाद इस तरह उंगलियों की मदद से इस तरह ऊपर की तरफ नोक जैसा निकालेंगे। उसके बाद जो है हमें एक फॉक की मदद से या एक चम्मच भी ले सकते हैं, लेके इसको ना इस तरह थोड़ा सा प्रेस करते हुए ना इसको हमें मोदक की शेप में लेंगे। ये बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, अगर आप ट्राई करेंगे ना आराम से ये बन जाएगा। बस राउंड शेप देना है और ऊपर की तरफ नोक की जैसा निकालना है और चम्मच से इस तरह देखिए मोदक की शेप में लाना है। हमें जो रेडी किए हैं इसके अंदर फीलिंग कुछ नहीं रखे हैं, डायरेक्ट हमें बनाए हैं, इसीलिए जिस तरह के से हम बनाए हैं वैसे अगर आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएंगे। इस तरह हमें सारे मोदक को भी रेडी करेंगे सेम प्रोसेस से। तो फ्रेंड्स अगर आप मोल्ड से बनाना चाहते हैं तो फिर ऐसे ही आप उसके अंदर फीलिंग भरना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ऐसे ही बना सकते हैं। और इसके अंदर जो है नारियल का नारियल गुड़ से फीलिंग बनाकर इसके अंदर भी रख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही सिंपल तरीके से मैंने बनाकर मैं भगवान गणपति जी को चढ़ाया था। तो फ्रेंड्स इस तरह देखिए इसको भी हमें ऐसे ही फ्रेश करके मोदक की शेप में बनाएंगे। ऐसे ही हमें सारे जो आटा है इसको हमें बना के रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स लग रहा है ना एकदम मोदक की जैसा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखने में भी बहुत ही प्यारा सा मोदक लग रहा है और वैसे ही टेस्ट में भी बहुत ही बेस्ट है। इस तरह हमें सारे मोदक को रेडी कर दे है ग्रीन कलर की। साथ में इतना मोदक रेडी होने के बाद और भी हमारा जो है आटा बचा था। और एक फ्रेंड जरूरी बात है कि अगर आप बनाते टाइम इसको ढकते हुए बनाइए, नहीं तो आटा जो है सूख सकता है। इस तरह जो है इसको भी मैंने बाद में बनाऊंगी। तो अब ये देखिए मोदक यहाँ हमारा रेडी है और इस तरह जो है हमारा फाइनली लुक आ चुका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गणपति जी को चढ़ाइएगा। और ये था आज की रेसिपी फ्रेंड्स, उम्मीद है इस रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कैसे है ये रेसिपी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अगली नई रेसिपीज के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।